नमस्कार स्टडी आई क्यू आई एस हिंदी में आप सभी लोगों का स्वागत है मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव और पर्यावरण पारिस्थितिकी की सीरीज़ में आज हम पहुंच चुके हैं लेक्चर नंबर चार पे मतलब अभी तक तीन लेक्चर्स ऑलरेडी इस पे हो चुके हैं हम उनमें क्या क्या पढ़ा है तो हमने इसकी शुरुआत जो की थी हमने सबसे पहले पृष्ठभूमि समझी थी कि ये सब्जेक्ट का निर्माण कैसे हुआ और इसके पीछे सारी थ्योरीज़ को हमने धीरे धीरे कैसे डेवलप हुआ राजनीति का इसमें क्या रोल रहा उसको हमने डिस्कस किया उसके बाद हमने क्या पढ़ा था तो हमने सीक्वेंस से एक गैर परम्परागत टॉपिक उठाया जिसका नाम है ग्लोबल वार्मिंग अब ग्लोबल वार्मिंग के ही अलग अलग एंगल्स को हम पढ़ रहे हैं मतलब हमने क्या शुरुआत करी थी वैश्विक तापन को किया था और वैश्विक तापन के अंतर्गत अलग अलग विषयों को उठाना चालू किया तो अभी सबसे पहले वैश्विक तापन में होता क्या था उन चीज़ों को समझा कि भाई वैश्विक तापन किस घटना के कारण हो रहा है तो वो भी देखा इसके अलावा हमने अलग अलग प्रकार की चीज़ें पढ़ी आज का जो विषय है इसमें हम परिणाम की बात करेंगे कॉन्सिक्वेंसेस की बात करेंगे क्योंकि काफ़ी बड़ा टॉपिक है और इस बड़े टॉपिक को आपको जब मेंस में क्वेश्चन आएंगे तो हमें किस तरीके से उनको डील करना है इसलिए हमारे लिए एक एक एस्पेक्ट जरूरी हो जाता है तो धीरे धीरे करके इस चीज़ को हम सीखते चल रहे हैं अभी तक हमने ये देख लिया है कि भाई वैश्विक तापन के कारण क्या हैं गैसेस कौन कौन सी हैं कार्बन सिंक क्या होता है कार्बन स्रोत क्या होता है गुड आफ्टरनून सभी को आप लोगों के कुछ डाउट्स थे पहले मैं उन डाउट्स को भी ले लूँगा और उसके बाद आगे हम लेक्चर प्रोसीड करेंगे तो अभी तक आप लोग जितने स्टूडेंट्स हैं आपको कहीं पर भी कोई डाउट लगा है पर्यावरण पारिस्थिति की जब से हमने शुरू किया है वो आप लोग पूछेंगे कई स्टूडेंट्स ने मुझे मेल पर भी पूछा था मैं उनके आंसर्स धीरे धीरे देता चलूँगा आप लोगों की बात और फिर आज हम बहुत सारी देखेंगे कि भाई क्या परिणाम हो रहे हैं क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है क्या प्रभाव पड़ रहा है इस वैश्विक तापन का बहुत बहुत सभी को गुड आफ्टरनून चलिए अब शुरू करते हैं हमारा सेशन और मैंने आपको बताया आज हम किस पे पहुंच चुके हैं लेक्चर नंबर फोर पे पहुंच चुके हैं इसके तीन लेक्चर ऑलरेडी कवर हो चुके हैं जो कि आपको कहां पर मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे तो प्लेलिस्ट पर जाकर आप उस चीज़ को देख सकते हैं अब देखिए पर्यावरण पारिस्थिति की जो हमने शुरू किया पर्यावरण पारिस्थिति में एक चीज़ हमने पढ़ी थी जिसको हरित ग्रह प्रभाव देखा था एक स्टूडेंट का मुझे डाउट आया था कि सर हरित ग्रह प्रभाव और हरित ग्रह गैस ये दोनों अलग है ये कैसे अलग है इस पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बिल्कुल ये सारे डाउट्स आप निकाल दीजिए कि ये क्लास पूरी होगी या नहीं होगी सारे टॉपिक्स कराऊंगा मैं यहाँ पे और एक एक टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ेंगे हम और ये क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी आपको रोजाना मिल ही रही है बारह बजे लाइव सेशन इसलिए रखा जाता है कि आप इसमें लाइव जुड़ पाए अपने प्रश्न सीधे सीधे पूछ पाए देखो क्लास तो दो घंटे या तीन घंटे भी की जा सकती है लेकिन चैनल पर और भी प्रोग्राम्स चलते हैं तो हर चीज की लिमिट है इसलिए हम जितना हो सकता है उतना प्रयास कर रहे हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें दे तो देखिए सबसे पहला जो डाउट था मैं उसको ले रहा हूं कि हरित ग्रह प्रभाव और हरित ग्रह गैसेस मतलब ग्रीन हाउस गैस और ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है तो भाई हरित ग्रह प्रभाव का मतलब सीधा सीधा सा ये था कि हरित ग्रह प्रभाव वो घटना है जिस घटना के कारण जो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आ रहा है यहाँ अवशोषण हो रहा है और अवशोषण होने के बाद पूरा का पूरा उत्सर्जित नहीं हो जा रहा है पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट नहीं हो जा रहा है पृथ्वी उसको कुछ बांध कर रख ले रही है उसको ट्रैप करके रख ले रही है उस प्रभाव को हम क्या कह देते हैं हरित ग्रह प्रभाव अब ये जो गैस हैं हरित ग्रह गैसेस या ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी होती हैं ग्रीन हाउस गैसेस वो गैसेस होती हैं जो सूर्य के प्रकाश को अपने अंतर्गत अवशोषित करने की क्षमता रखती हैं उसमें मैंने आपको बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड है मीथेन है नाइट्रस ऑक्साइड है सल्फर हेक्साफ्लोराइड फ्लोराइड है नाइट्रस्ट फ्लोराइड है अपर है आपका हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है मीथेन आ जाता है आपका उसी के अंतर्गत जल वाष्प भी आ जाता है लेकिन जल वाष्प एक ऐसी चीज है जो आज और भविष्य में कभी भी इस पर प्रतिबंध नहीं लगाए जाएंगे आप देखेंगे तो अलग अलग जगह पे आपको क्या मिलते हैं कि भाई जब वैश्विक तापन होता है तो कभी पेरिस समझौता हो रहा है कभी क्योटो प्रोटोकॉल हो रहा है कभी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो रहा है इन सारी जगहों पर किसी ना किसी चीज पर रोक लगाई जाती है कि सारे देश मिलकर कार्बन उत्सर्जन को कम करेंगे सारे देश मिलकर मीथेन को उत्सर्जन कम करेंगे सारे देश मिलकर क्लोरोफ्लोरोकार्बन को कम करेंगे लेकिन कहीं ये नहीं मिल रहा है कि सारे देशों ने प्रतिबंध लगा दिया है जल वाष्प पर तो जल्ब वाष्प एक ऐसी चीज़ है जो सूर्य की प्रकाश को सूर्य की उष्मा को अपने के अंतर्गत अवशोषित तो करता है लेकिन उस पर प्रतिबंध नहीं लगता है क्योंकि वो आगे चलकर बादलों में भी परिवर्तित होता है तो सबसे पहला जो डाउट था आपका कि हरित ग्रह प्रभाव और हरित ग्रह गैसेस क्या हैं तो देखिए हम जो वैश्विक तापन पड़ रहे हैं ये एक मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था ये एक अनिवार्य घटना है ये एक इजेंशियल चीज है जितनी भी पृथ्वी पर जीवन हो रहा है उस जीवन में उस जीवन का कारण क्या है तो उस जीवन का कारण यही है कि वो जीवन इसलिए पॉसिबल हो पा रहा है क्योंकि पृथ्वी पर एक तापमान नियंत्रित है नहीं तो इतना कम तापमान हो जाएगा कि कई सरी रेप्टाइल्स जो हैं रेंगने वाले जीव वो तो सबसे पहले मर जाएंगे क्योंकि तापमान में बदलाव होने से आपका क्या होता है जीवों पर असर होता है और ये पृथ्वी के अंतर्गत क्यों ऐसा हो रहा है तो भाई पृथ्वी के अंतर्गत ये जो घटनाएं हो रही हैं ये आपके हरित ग्रह प्रभाव के कारण हो रही है लेकिन हरित ग्रह प्रभाव में बहुत तेजी से वृद्धि होना और वो वृद्धि किसके कारण होना हरित ग्रह गैसेस के कारण होना मतलब हरित ग्रह गैसेस जो हैं ग्रीन हाउस गैसेस की बात करें तो ग्रीन हाउस गैस वो गैस होती हैं जो मैंने आपको अलग अलग बताई थी मीथेन होता है कार्बन डाइऑक्साइड होता है नाइट्रस ऑक्साइड होता है अब ये गैस किससे बढ़ रही है भाई मानव ऐसी चीज़ें उपयोग कर रहा है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ हम लगातार जीवाश्मों का उपयोग कर रहे हैं और लगातार इनका स्तर बढ़ाते जा रहे हैं जब इनका स्तर बढ़ता जाएगा जब इनके स्तर में लगातार वृद्धि होगी तो भाई किस में वृद्धि होने लगेगी हरित ग्रह प्रभाव में ग्रीन हाउस इफेक्ट में एनहांसमेंट आएगा और एनहांसमेंट को ही हम ग्लोबल वार्मिंग कहेंगे तो वो वैश्विक तापन है सर हाल ही में बॉन जलवायु परिवर्तन समझौता हुआ है वो क्या है चलिए ठीक है देखिए क्लास को समझने का प्रयास करिए बहुत सारे अलग अलग तरह के स्टूडेंट्स हैं क्लास में यहाँ पे हमारी जो क्लास चालू हुई है वो सबसे पहला टॉपिक हमने ग्लोबल वार्मिंग लिया अब ग्लोबल वार्मिंग में मैंने आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ाया उसके बाद ग्रीन हाउस गैसेस पढ़ाई ग्रीन हाउस गैसेस के अलावा कार्बन सिंक पढ़ाया कार्बन सिंक के बाद कार्बन सोर्स पढ़ाया मतलब कार्बन के स्रोत पढ़ाए ये चीज़ें हमने पढ़ी आज की क्लास में हम इसके परिणाम देख रहे हैं एक क्लास में हम इसके समाधान देखेंगे फिर उसके बाद हम सम्मेलन देखेंगे तो मैंने जो क्लास शुरू की है उसका सबसे पहली चीज़ है कि मैंने मानकर क्लास शुरू की है कि आपको पर्यावरण पारिस्थितिकी में बिल्कुल ए भी नहीं आता है तो इसलिए ये क्लास धीरे धीरे आगे प्रोसीड करूंगा बॉन अभी चर्चा में है बिल्कुल उस पर भी मैं बात करूंगा लेकिन आज हमारा जो डिस्कशन होगा समाधान के क्योंकि आप किसी भी सम्मेलन को किसी भी चीज़ को तब समझ पाएंगे जब आप उसकी जड़ को समझ पाएंगे तो इसलिए अभी जो हम चीज़ कर रहे हैं हम बेस बना रहे हैं बेस बनाने के बाद आप सारे सम्मेलन सारे संगठन बहुत आसानी से समझेंगे तो इस तरीके से हम क्लास को प्रोसीड करेंगे और कई ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जिनको आता होगा तो थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखिए और धीरे धीरे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी सर सारे देश का टारगेट तो है कि कोई भी देश पैसे देने के लिए तैयार नहीं है खर्चा भी चार करोड़ पर पैसे चार करोड़ों पर पैसे होते हैं सर ये सिलेबस के किस यूनिट में आएगा देखो पेपर नंबर थ्री उठा लो पेपर नंबर थ्री के आप वर्तमान के प्रश्न उठा लीजिए वहाँ पे आपको लगातार इस तरह की चीज़ें देखने मिलेंगी ग्लोबल वार्मिंग बार बार चीज़ें आ रही हैं तो उस तरीके से वहाँ हो जाएगा तो सर बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो एनवायरमेंट में गैसेस हैं वे हरित गैसेस हैं कुछ अलग नहीं है इज इट देखो हरित हरित समझो पे ग्रह प्रभाव एक अनिवार्य घटना है मतलब हम जिस वातावरण में रह रहे हैं वहां हरित ग्रह प्रभाव होना चाहिए मैंने चंद्रमा का भी उदाहरण दिया था कि भाई चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है तो वायुमंडल होने के कारण गैस नहीं है गैस नहीं है तो उनका अवशोषण नहीं है और अवशोषण नहीं है तो वहां पर तापमान नहीं पृथ्वी पर ये सारी चीजें हैं क्यों क्योंकि पृथ्वी पर वायुमंडल है और वायुमंडल में ये गैसेस पाई जाती हैं लेकिन क्या आप मना कर सकते हैं कि भाई पृथ्वी पर सिर्फ ग्रीन हाउस गैसेस तो नहीं है नाइट्रोजन भी तो है ऑक्सीजन भी तो है ये भी तो गैसेस हैं लेकिन ये क्या नहीं कर रही हैं 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 ये ये अवशोषण अवशोषण का का काम नहीं 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 कर कर रही रही और तो पृथ्वी तापमान बढ़ रहा है तो इस तरह की ये सामान्य गैसेस भी पाई जाती हैं लेकिन कुछ ऐसी गैसेस जैसे मैंने आपको कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में ही बात किया था कि औद्योगिकरण से पहले अगर हम देखते थे तो शून्य दशमलव दो आठ प्रतिशत हुआ करता था फिर औद्योगिकरण के समय ये बढ़ते बढ़ते शून्य दशमलव शून्य तीन हो गया आज की डेट में ये शून्य दशमलव शून्य चार हो गया तो भाई ये क्या हो रहा है लगातार इसमें वृद्धि होती जा रही है और लगातार वृद्धि हो जाना हरित ग्रह प्रभाव को उसी को तो हम क्या कह रहे हैं वैश्विक तापन या ग्लोबल वार्मिंग कह, कहा जा रहा है ठीक है तो यहां पर जीएस पेपर तीन के अंतर्गत आता है जीएस पेपर फोर में नहीं आता है ध्यान रखेंगे चलिए तो हम शुरू करते हैं आज का सेशन हमारा और देखते हैं कि भाई आज क्या क्या हमें परिणाम हो सकते हैं और आज हम थोड़े से मेंस के हिसाब से भी डिस्कशन करेंगे जिससे आप चीज़ों को समझ पाए कि क्या इसमें हो सकता है चलिए शुरू करने से पहले आपको मैं बता दूं कि स्टडी आई का एक स्पेशल बैच लॉन्च हो चुका है जिसका नाम है पी टू आई बैच पी टू आई बैच की खास चीज यह है कि दिल्ली आने का मौका स्टडी आई आपको दे रहा है अगर आपका प्रिलिम्स निकलता है 2024 का तो आपको यहाँ पर आकर रहने खाने और सारी तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी तीनों ही मीडियम में है ये हिंदी माध्यम में इंग्लिश में और हिंग्लिश में इन तीनों में ही ये बैच अवेलेबल है आपको कोड यूज़ करना है मनीष लाइव तो आपको ये कोर्स ट्वेंटी थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइन्टी नाइन का मिल जाएगा और ये शाम छः बजे से इसकी क्लासेस से उन्नीस से तारीख से चालू हो गई हैं आप इसको इनरोल कर सकते हैं इसके अलावा लेक्चर की पीडीएफ डी कहाँ मिलती है तो मैं यहाँ अपलोड कर देता हूँ ऊपर टेलीग्राम ग्रुप दिया हुआ है एम ट्वेंटी सेवन श्रीवास्तव तो, वहाँ से आप ले लेंगे और कोई डाउट आता है जैसे मुझे मेल भी कई स्टूडेंट्स कर रहे हैं लगातार तो आप इस मेल आईडी पे मेल कर दिया करिए और भी कोई दिक्कत होगी तो आपको इस पर मैं यहां पे क्लास में हो सकता है जो आपके डाउट्स हो सकते हैं वो यहां पे ले लूंगा नहीं तो मैं आपको वहां रिप्लाई कर दूंगा तीन दिन से एक ही टॉपिक चल रहा है फिर भी इतने क्वेश्चन करते हैं देखो कोई बात नहीं अभी कई लोग लर्निंग स्टेज में हैं किसी को चीजों आती हैं किसी को नहीं आती हैं कोई बात नहीं धीरे धीरे क्योंकि देखो आप आंसर राइटिंग जब करोगे तो आपको सारे एस्पेक्ट्स की जरूरत होगी तो इसलिए कोई बात नहीं है तो मैंने आपको बताया था कि भाई हम जो गैर परम्परागत चीज़ें हैं उनको पहले शुरू कर रहे हैं परंपरागत चीज़ें आगे पढ़ेंगे तो उसमें हमारा वैश्विक तापन शुरू हो गया था अब आज का जो विषय है वो हम पढ़ रहे हैं वैश्विक तापन के परिणाम अब वैश्विक तापन के परिणाम से पहले कुछ चीज़ें हम लोग देख लेते हैं और उसके बाद आगे प्रोसीड करते हैं समझने का प्रयास करते हैं कुछ बच्चों को क्वेश्चंस में भी डाउट थे उन क्वेश्चंस को भी मैं वापस से समझा दूंगा कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है देखिए यूपीएससी आपसे जब प्रश्न पूछ रहा है तो उसका उसका पूछने का जैसे कि एक प्रश्न मैं पहले वो प्रश्न दिखा देता हूं जैसे ये प्रश्न पे किसी बच्चों को डाउट था तो आप समझिए यूपीएससी ने जब आपसे ये प्रश्न पूछा तो उसको ये नहीं पता था कि आप सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग की क्लास ही पढ़ रहे हैं या आपको इन्वायरमेंट के बारे में अभी ज्यादा पता है है या नहीं है कोई भी टॉपिक अगर यूपीएससी पूछता है तो वो मानकर चलता है कि आपने पर्यावरण पूरा पढ़ा हुआ है तो ये प्रश्न में जो चीजें हैं वैसे तो इस प्रश्न को आप आसानी से कर सकते हैं अगर आपने क्लास पूरी अच्छे से देखी हुई है तो आप आसानी से कर लेंगे हरित गैस कुछ अलग नहीं है जो इन्वायरमेंट में पहले से गैसेस हैं वही हैं बिल्कुल ग्रीन हाउस गैसेस वो हैं लेकिन मानव की एक्टिविटी ने इनका स्तर को धीरे धीरे बढ़ा दिया है और वही बढ़ाने को हम ग्लो, ग्लोबल वार्मिंग कह रहे हैं इंग्लिश बैच में आपको पी जो होंगी जैसे यहाँ पे भाषा जो लिखी है वो हिंदी लिखी है उसमें इंग्लिश लिखी रहेगी और आपको जो पढ़ाया जाएगा वो हिंदी में पढ़ाया जाएगा बस इतना फ़र्क है तो प्रश्न देखा जाए तो क्या था निम्नलिखित पर विचार कीजिए कि परिवेश वातावरण में पाया जाता है काले का सल्फर हेक्साफ्लोराइड का वाष्प का में से कौन सा वायुमंडल को गर्म करने में योगदान देता है देखिए गर्म करना ही तो क्या है वैश्विक तापन है या इसको क्या कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है भाई ऐसी घटना जिसके कारण पृथ्वी के रात का तापमान में वृद्धि कमी ना आए वो एक तरह से स्थिर बना रहे उस चीज को हम क्या कह देते हैं वैश्विक तापन और ये यहीं पे पूछ रहा है गर्म करना तो गर्म करना हो जाए वार्मिंग हो जाए ये सारी चीजें ग्लोबल वार्मिंग से जुड़ी हुई हैं तो कौन सी चीज़ थी मैंने आपको कल भी बताया था कि इसमें सीओ टू है मीथेन है नाइट्रस ऑक्साइड है आपका सल्फर हेक्साफ्लोराइड है जो दिया हुआ है जल वाष्प को मैंने आज भी बताया कि जल वाष्प क्या करता है भाई वातावरण को गर्म करता है लेकिन इसके साथ ये है कि इसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है इसके ऊपर कोई समझौता नहीं है क्योंकि इस ये एकदम स्टेबल नहीं होता ये धीरे धीरे बादलों का निर्माण करने लगता है कालेक को मैंने कल आज कल की क्लास जिसने देखी थी ब्लैक कार्बन को मैंने बताया था और ब्लैक कार्बन बहुत बड़ा क्या है जो कार्बन सिंक था जो कार्बन अवशोषित था इस पृथ्वी पे कई सालों से उसको निकाल कर ये बाहर वातावरण में ला रहा है ये चीजें हो रही हैं तो यहां पर इसी को ब्लैक कार्बन जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के ही प्रकारों में हम बोल सकते हैं या इसी को शूट भी मैंने बताया था कि यह शब्द भी चलता है और हिंदी में काले की या ब्लैक कार्बन से कहेंगे तीनों ही ऑप्शन सही थे एक क्वेश्चन और डिस्कस किया था हमने अल्पजीवी जलवायु प्रदूषकों को इस प्रश्न को भी मैं पहले समझा दे रहा हूँ फिर हम बहुत अच्छे से देखेंगे और आप लगातार जो भी आपको दिक्कतें आएंगी वो क्लियर होती जाएंगी बस सेशंस को थोड़ा सा सब्र के साथ देखते रहिए देखिए यहां पर जो ये प्रश्न दिया था कि अल्पजीवी अल्पजीवी का मतलब जिनकी आयु कम है मतलब ये थोड़े समय के लिए रहती हैं और जलवायु प्रदूषकों को न्यूनीकृत करने हेतु जलवायु एवं स्वच्छ वायु गठबंधन ये मैंने आपको बताया था यहां पर ये जो है जलवायु का मतलब होता है क्लाइमेट सी का मतलब होता है आपका क्लीन एयर कोयलेशन कोयलेशन का मतलब गठबंधन जी ट्वेंटी समूह के देशों की एक अनोखी पहल है तो मैंने आपको बताया था ये जी ट्वेंटी देशों की अनोखी पहल नहीं है इन देशों में पूरा उत्तरी अमेरिका के जो बड़े देश हैं जिसमें आपका यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कनाडा मैक्सिको और इसमें किस कौन आ जाता है तो हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश भी आ जाता है स्वीडन भी आ जाता है और घाना भी आ जाता है इनने मिलकर ये एक चीज़ बनाई थी और इसमें प्रदूषकों को कम करने की बात की गई थी और कौन से प्रदूषक थे तो भाई मीथेन ब्लैक कार्बन और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन पर केंद्रित था तो ये मैंने आपको बताया था कि इसमें ये स्टेटमेंट सही नहीं है दूसरा स्टेटमेंट सही है तो केवल दो पर आपकी कहानी जानी है तो देखिए हमने एक एक करके ये सारी चीज़ें पढ़ी कि हरित ग्रह प्रभाव क्या है ग्लोबल वार्मिंग क्या है ग्लोबल वार्मिंग के कारक गैसेस कौन सी हैं ग्रीन हाउस गैसेस उसी के अंतर्गत आ गई कार्बन सिंक और कार्बन स्रोत हो गया तो ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद हमें ग्लोबल वार्मिंग का थोड़ा बहुत अर्थ तो समझने आया ही है अब जब ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ समझने आया है तो सबसे मुश्किल चीज़ क्या है इसकी प्रभाव क्या है इसका ये क्या असर डाल रही है तो मेंस राइट न, आंसर राइटिंग के हिसाब से भी हम कई तरह के पॉइंट्स आज कवर करेंगे और देखेंगे देखिए जब ये टॉपिक हो जाएगा तो जितने तमाम प्रश्न यूपीएससी ने लगातार पूछे हुए हैं वो हम सारे करेंगे बहुत अच्छे से करेंगे लेकिन अब ध्यान से इस चीज़ को देखते चलिए तो ये इसके प्रभाव पर आते हैं इस प्रभाव पे आने से पहले एक ग्राफ को थोड़ा सा हम विशेष तौर पर देखेंगे देखिए वैश्विक तापन मैंने आपको बताया कि भाई पहले की स्थिति में जो बदलाव आ जाता है अब देखिए इस ग्राफ को देखिए ये 2023 का वर्तमान का ग्राफ है और ये बता रहा है कि भाई कौन सा देश कितना कार्बन उत्सर्जन कर रहा है इसमें चीन की बात करें तो चीन सबसे पहला नंबर पर है जो कार्बन उत्सर्जन कर रहा है और ये 2013 के बाद इसमें परिवर्तन हुआ है मतलब दस साल पहले अगर आपसे कोई पूछता कि भाई कार्बन उत्सर्जन या कार्बन डाई के उत्सर्जन में सबसे ज्यादा योगदान किसका हुआ करता था तो इसका योगदान था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इसने कम पंद्रह प्रतिशत किया है लेकिन चीन कौन से स्थान पर है तो आपका चीन पहले स्थान पर अमेरिका दूसरे स्थान पर और तीसरे स्थान पर भारत है इसके अलावा चौथे स्थान पर कौन है तो रूस आ जाता है और पांचवें स्थान पर जापान आ जाता है लेकिन अगर हम ये छोटे छोटे देश मिला लें पोलैंड को मिला लें इटली को मिला लें यूके को मिला लें फ्रांस को मिला लें जर्मनी को मिला लें इसके अलावा आपका और भी छोटे देश जो हैं स्पेन वगैरह को मिला लें मतलब जो यूरोपियन यूनियन है इस यूरोपियन यूनियन के अलग अलग देशों को मिला लें तो ये आ जाता है चार नंबर पर मतलब यूरोपियन यूनियन को अगर देखा जाए तो उस हिसाब से तो तीसरे नंबर पे आ जाएगा मतलब भारत को पछाड़ देगा और भारत फिर किस स्थान पे आ जाएगा चार पे आ जाएगा लेकिन ये जो चीज़ दिख रही है वो देशों के अंतर्गत देखने मिल रही है ये देश कौन कौन से अलग अलग तरीके से आपका कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कर रहे हैं उस पर बात की जा रही है अब यहाँ से एक प्रश्न उठकर आता है कि भाई भारत जो है वो सात प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है पूरे देशों में मतलब जितना भी कार्बन उत्सर्जन हो रहा है ग्रीन हाउस गैस को बढ़ाना हो रहा है उसमें भारत लगातार बढ़ता जा रहा है और कौन से स्थान पर है तीसरे स्थान पर है तो भाई भारत पे एक आरोप लग सकता है आपसे मेंस क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि भाई भारत जो है लगातार इसका विरोध करता रहता है कि भाई लगातार इसका विरोध क्या करता है कि भाई आपका कार्बन उत्सर्जन जो है अलग अलग जो विकसित देश हैं उनको कम करना चाहिए लेकिन भारत का खुद का कार्बन उत्सर्जन तो लगातार तेजी से बढ़ रहा है तो क्या भारत का ये डबल स्टैंडर्ड है इस पर स्पष्ट कीजिए तो आप क्या बोलेंगे इसके लिए कि भाई भारत अब आपको जब आंसर राइटिंग करनी होगी तो आप ऐसे प्रश्न आएंगे कि जिसमें आपके भारत के ऊपर मतलब हमारे ही देश के ऊपर ये आरोप लगेंगे कि भाई हमारा देश जब दूसरों पे बात करता है कॉन्फ्रेंसेस में जाता है तो कहता है कि हमें इस चीज़ को कम करना है लेकिन भारत में लगातार इस चीज़ की वृद्धि होती जा रही है तो फिर हमारा क्या तर्क होगा क्या हम भारत को पूरी तरह से दोषण रोपित कर दें उस आंसर में तो ऐसा नहीं करना है क्या लिखना है समझिए इस चीज को और क्या चीन पर भी पूरा का पूरा भंडा फोड़ देना चाहिए कि भाई चीन जो है ये सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड है तो इस इसको जो बाकी देश हैं जो यहां पर आपको देखने मिल रहे हैं और ये दोनों देश जो भारत और चीन है इनको पूरी तरह से जिम्मेदार ठहरा दिया जाए आज जो वैश्विक तापन हो रहा है उस पर तो इस पर क्या विचार हो सकता है आप बताइए क्या लगता है आपको थोड़ा सा आप विचार प्रकट करिए कि इस चीज पर आप क्या लिख सकते हैं एग्जाम्स में कि भाई इतने सारे देश हैं लेकिन इसमें दो देश जो एशिया के देश हैं एक हमारा भारत इंडिया और दूसरा चीन क्या यही पूरी विश्व की इतनी बड़ी समस्याओं का जड़ है बाकी देशों को क्लीन चिट मिल जानी चाहिए जल्दी से बताइए और समझने आ रही है क्लास यहां तक कि नहीं आ रही है वो भी बताइए गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून चलिए चलिए अब मैं यहाँ पर अगर बात करूं आप लोगों के अलग अलग तर्क तो आ रहे हैं लेकिन सबसे पहली चीज अगर मैंने आपको शुरुआत क्लास में भी बताई थी कि अगर आज हम पूरी तरह से कार्बन उत्सर्जन को कम कर दें या शून्य कर दें किसी स्थिति से कोई भी व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन करे ही ना ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन बिल्कुल बंद हो जाए हम कैसी एक काल्पनिक घटना सोच लेते हैं तो उस काल्पनिक घटना की सोचने के बाद भी मैंने आपको बताया था कि क्या होता है काल्पनिक घटना सोचने के बाद भी ये है कि आज जो ये प्रभाव देखने मिल रहा है आपको यह प्रभाव किस कारण देखने मिल रहा है तो यह प्रभाव आपको इस कारण देखने मिल रहा है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को जीरो कर दिया जाए मीथेन को जीरो कर दिया जाए सारी चीजों को अगर हम जीरो भी कर दें उसके बावजूद भी क्या होगा उसके बावजूद भी आपका वैश्विक तापन होता रहेगा क्यों होता रहेगा क्योंकि यह असर है किस चीज का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का औद्योगिक क्रांति का क्या औद्योगिक क्रांति के लिए चीन जिम्मेदार है क्या औद्योगिक क्रांति के लिए भारत जिम्मेदार है तो आप बोलेंगे नहीं इसमें तो यूरोप के देशों का बहुत बड़ा रोल रहा अमेरिका का बहुत बड़ा रोल रहा तो इसलिए जो आज ग्लोबल वार्मिंग हो रही है वैश्विक तापन हो रहा है उसमें बहुत बड़ी वजह औद्योगिक क्रांति की है तो इन सारे देशों को क्लीन चिट दे दी जाए ये बिल्कुल भी सही तर्क नहीं होगा क्योंकि इन लोगों ने अपने देश के विकास करने में इतनी सारी चीज़ें करी हुई हैं नहीं होगी शेयर क्योंकि कुछ ना कुछ बाकी डेवलप कंट्रीज ने ही पहले कार्बन रिलीज किया है और अब अच्छे बन गए हैं हम अभी डेवलपिंग स्टेज पर हैं इसमें अमेरिका को भी लेना चाहिए सर इंडिया और चाइना की पॉपुलेशन ज्यादा है इसलिए उनका प्रोडक्शन ज्यादा करना पड़ता है सर डेवलप देश विकास कर लिए हैं और हमारी टेक्नोलॉजी कम है क्या करें सर मैं फर्स्ट टाइम सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ तो आ तो रहा है आपको सर यही दोष पॉपुलेशन में सबसे आगे हैं सर इंडिया में सात परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड चलिए ठीक है चलिए आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रयास किया है अब इस आंसर को लिखते हैं और इस आंसर को कैसे अच्छा लिखना है तो सबसे पहला आप तर्क बताएंगे कि भाई भारत जो है जो आप लोगों ने कहा कि भाई भारत का अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो भारत अभी विकासशील देश है और जब विकासशील देश होगा तो वहाँ पर इस तरह की गतिविधियाँ होंगी तो गतिविधियों में एक शब्द आता है जिसको कहते हैं कार्बन फुटप्रिंट अब कार्बन अगर फुटप्रिंट की बात करें मतलब यहां पर जो प्रति व्यक्ति है, प्रति व्यक्ति व्यक्ति है है कितना कार्बन का उत्सर्जन करता है, तो हम भारत के देश के देश लोग हैं हम सबसे पहले भारत का पक्ष रखेंगे तो हम बोलेंगे कि भाई एक अमेरिकन को देखा जाए और एक भारतीय को देखा जाए एक जर्मनी के व्यक्ति को देखा जाए एक जर्मन को लिया जाए और भारत के व्यक्ति को देखा जाए तो दोनों के कार्बन फुटप्रिंट में अंतर है तो आप कोई पूछेगा कि कैसे अंतर है तो भाई कार्बन फुटप्रिंट का आ, मतलब ये होता है कि मान लिया जाए कि आज आपने कपड़े पहने तो आज जो आप कपड़े पहन रहे हैं उस कपड़े के उत्पादन में भी क्या हुआ है उस कपड़े के उत्पादन में भी कार्बन उत्सर्जन हुआ है जब आप वो इंडस्ट्रीज में बन रहा था तो उसने भी कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया होगा आप जो खाना खा रहे हैं उस खाना खाने के बनने की प्रोसेस आपका जो घर तक खाना पहुंच पा रहा है उसमें भी कार्बन उत्सर्जन हुआ होगा तो एक व्यक्ति अपने जीवन में कितना कार्बन उत्सर्जन कर रहा है उसके आधार पर बात होती है जो कि पर कैपिटा की बात होती है पर कैपिटा का मतलब कि प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन कितना है तो क्या प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में भारत आगे है तो मिलेगा कि अमेरिका से दस गुना पीछे है जहां अमेरिका में एक व्यक्ति 16 टन के आसपास गैस रिलीज कर रहा है वहां भारत में 1.6 देखने मिल रहा है तो आप बताएंगे कि भाई वन ग्राफ देखिए और इस ग्राफ के अनुसार जो भारत और चीन पर आरोप लग रहे हैं तो इसमें तो सबसे आगे कौन देखने मिल रहा है कतर देखने मिल रहा है अब कतर की वजह यह है कि वहां पर पेट्रोलियम पदार्थों का उत्सर्जन होता है तो बहुत ज्यादा कार्बन उत्सर्जन देखने मिलता है लेकिन इस लिस्ट में आपको भारत देखने मिल रहा है कतर है फिर मोन्टेनगेरो है कुवैत है त्रिनाद एंड टोबोको है यू है ओमान है कैनेडा आ गया ब्रुनई आ गया लग्जमबर्ग आ गया बहरीन आ गया ऑस्ट्रेलिया आ गया एस्टोनिया आ गया गिब्राल्टर आ गया फाकलैंड आइलैंड्स और यहाँ पर आपको सऊदी अरेबिया के बाद यूएसए भी देखने मिल रहा है और ये जो चीज हमने लिखी है यहाँ पे कि कितना टन ये टन में दिया गया है कि कौन सा देश कितना टन कार्बन उत्सर्जन कर रहा है मतलब यहाँ पे पर कैपिटा पर कैपिटा का मतलब हो गया प्रति व्यक्ति तो प्रति व्यक्ति में अमेरिका में लगभग 16 टन कार्बन उत्सर्जन है लेकिन वहीं पर प्रति व्यक्ति भारत की बात की जाए तो यहां पर एक दशमलव छह टन आ जाता है तो मतलब जो प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन देखने मिलता है वो आपका भारत के अंतर्गत और अमेरिका के अंतर्गत अंतर देखने मिलता है तो भाई देखने में लग रहा है कि भाई कार्बन उत्सर्जन तो भारत बहुत ज्यादा कर रहा है लेकिन प्रति व्यक्ति में हम काफी पीछे हो जाते हैं क्योंकि आप क्या करेंगे सात प्रतिशत को पूरी भारत की 140 करोड़ जनसंख्या से जब डिवाइड करेंगे तो ये तो हमेशा क्या आएगा कम आएगा तो जब आप आंसर राइटिंग में लिखेंगे तो देखिए ये एक तरीके से चीज है कि अभी वर्तमान स्थिति में तो यह भारत बढ़ता जा रहा है और भारत कार्बन का उत्सर्जन कर रहा है तो वर्तमान स्थिति में भारत को भी ऐसी चीजें अपनानी पड़ेंगी जिससे क्या होगा कि आपका कार्बन उत्सर्जन कम होगा इसको मैं दो तीन तरीके से आपको आज समझाऊंगा लेकिन आप समझने का प्रयास करिए अभी हम आंसर राइटिंग के फॉर्मेट में लिख रहे हैं तो आंसर राइटिंग में आप भारत का पक्ष रखेंगे कि भाई भारत दूसरे देशों से क्यों बेहतर है या भारत का कार्बन उत्सर्जन कैसे जस्टिफाइड है या भारत का डबल स्टैंडर्ड नहीं है क्योंकि भारत ने विकास करना चालू किया अभी धीरे धीरे और भारत में अभी भी जो विकास हो रहा है और कल की मैंने आपको एक रिपोर्ट बताई थी कि हमने एक चीज़ अचीव करी ना लीड जीरो सर्टिफिकेशन कल के क्लास में हमने डिस्कस किया था तो लीड ज़ीरो सर्टिफिकेशन ये बता रहा है कि भारत में जो बिल्डिंगों का निर्माण हो रहा है वो हरित तौर पर हो रहा है और हम उस सूची में चीन को पछाड़ चुके हैं अमेरिका को पछाड़ चुके हैं तो भारत इस तरह से प्रयास कर रहा है लेकिन किसी भी देश में विकास होगा किसी भी देश में औद्योगिकरण होगा तो भाई कार्बन उत्सर्जन तो होगा तो भारत का देखने में लग रहा है कि बढ़ रहा है लेकिन जो पूरा विश्व ऑलरेडी इंडस्ट्रियलाइजेशन से निकल चुका है अमेरिका ब्रिटेन जर्मनी क्या इनको दोष नहीं दिया जा सकता है? तो दिया जा सकता है और दूसरी बात हम यहां पर बता देंगे कि भारत के अंतर्गत हम प्रतिबद्ध हैं कि हम प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन को बढ़ाएंगे नहीं और जो देखने मिल रहा है कि अभी भी भारत का, का काफी कम है कतर उसमें बाजी मार रहा है लेकिन अमेरिका भी हमसे काफी ऊपर है उसको हम किसी भी तरह से नकार नहीं सकते हैं तो ये भारत का डबल स्टैंडर्ड या फिर भारत का दोगलापन कहीं से भी नहीं हो सकता है यह भारत के अंतर्गत एक विकास की प्रक्रिया है उसके तहत होने वाला कार्बन उत्सर्जन है तो इस तरीके से हम अपना पक्ष वहां पर रखेंगे और दूसरा हम ये भी बोल देंगे कि भाई जब औद्योगिक क्रांति हुई आज अगर हम कार्बन उत्सर्जन या फिर सारी ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन को शून्य पर भी ला दें तो वैश्विक तापन नहीं रुकने वाला क्योंकि वैश्विक तापन की असली जड़ तो औद्योगिक क्रांति से शुरू हुई थी और उसको शुरू करने वाला ब्रिटेन है उसको शुरू करने वाला जर्मनी है बाद में अमेरिका हुआ तो इन सारे देशों का भी तो दोष है और उसके कारण आज पूरी पृथ्वी एक तरीके से जली जा रही है तो हम उनको वहां पर कटघरे में खड़ा कर सकते हैं हाँ तो आई बात समझ समझने इस तरीके से आप अपना तर्क दे सकते हैं अब देखा जाए तो आपके मन में आ रहा होगा कि सर हम भी तो इतना प्रोडक्शन कर रहे हैं यह तो चलो आंसर राइटिंग की बात हो गई कि भाई कित प्रतिशत दिख रहा है और तीसरे नंबर पर दिख रहा है चलो चीन अमेरिका के बाद भारत को कुछ तो देखना पड़ेगा कि इन दोनों से ये कम क्यों है और ये लगातार बढ़ क्यों रहा है दो पक्ष हो जाते हैं तो दो पक्षों को समझने के लिए आज हम एक तर्क की बात करते हैं और वो तर्क थोड़ा सा अलग टाइप का है तो उसको देखने के लिए एक ब्लैंक स्लाइड लेते हैं और इस पर बात करते हैं तो देखा जाए तो सीओ टू उत्सर्जन की बात करें पहला भारत में कम क्यों है और दूसरा भारत में वृद्धि क्यों हो रही है दोनों पर बात करेंगे कि भारत का स्तर अगर देखा जाए तो कम क्यों है बाकी देशों से और दूसरी चीज लगातार वृद्धि क्यों हो रही है जिस कारण कौन से स्थान पर है भारत तीसरे स्थान पर है थर्ड पोजीशन में है सीओ टू एमिशन के उत्सर्जन के तो दोनों ही तरह की चीजों पर हम देखते हैं इंट्रोडक्शन कैसे लिखें किसी भी प्रश्न का अगर कोई भी चीज़ आपसे पूछी जा रही है जो टॉपिक होता है उसके बारे में दो लाइन या तीन लाइन आप सबसे पहले उस टॉपिक को समझाने का प्रयास करिए उसकी परिभाषा लिखिए और ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जो लिख रहे हैं वो बुकिश लैंग्वेज ही हो आप उसको समझा सकते हैं मतलब बहुत ही ज़्यादा ऐसी चालू लैंग्वेज में नहीं लिखना है लेकिन जैसे आपने ग्लोबल वार्मिंग की बात की तो ग्लोबल वार्मिंग को आप समझाएंगे कि ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापन वो घटना है जो आपका औद्योगिक क्रांति के बाद हरित ग्रह प्रभाव में वृद्धि के कारण उत्पन्न हुई है उसके बाद फिर आप अलग अलग तरह के उसके प्रकार बता सकते हैं इंट्रोडक्शन में ये सारी चीजें अब देखिए भारत में वृद्धि का दर तेजी से क्यों बढ़ रहा है इन पर अलग अलग पॉइंटर्स लेते हैं तो देखा जाए तो भाई आजादी के बाद भारत में भी औद्योगिकरण धीरे धीरे पांव जमाने लगा हमने कई तरह के उद्योग स्थापित किए चाहे इसमें सेल की बात करें स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अलग अलग उद्योग हैं कोल इंडिया लिमिटेड है ओ है आई है बी BPC है बी है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड पावर ग्रिड ये सारी चीज़ें हैं तो आज़ादी के बाद औद्योगिकरण धीरे धीरे बढ़ रहा है और कोई भी देश चाहता है कि वही उसका उद्योग जो है स्टैब्बलिश हो क्योंकि अगर आप जब अर्थव्यवस्था के अलग अलग वर्गों को पढ़ते हैं तो इसमें तीन वर्ग आपको पढ़ाए जाते हैं प्राथमिक वर्ग वो वर्ग होता है प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जो सीधे प्रकृति पर निर्भर करता है जैसे कृषि हो गया माइनिंग हो गई आपके खेती को हम इसमें रखते हैं या फिर आपका जो भी मिल्क इंडस्ट्री है दुग्ध उद्योग है उसको रखते हैं जो हमें प्रकृति से सीधे मिल रहा है वो प्राथमिक वर्ग वर्ग और फिर द्वितीय आता आता है आता है सेकेंडरी सेक्टर जिसमें होती है है मैन्युफैक्चरिंग जिसमें होता है उत्पादन और वहां खड़े होते हैं उद्योग तो कोई भी देश आज मजबूत अर्थव्यवस्था है तो वहां पर उद्योग होना जरूरी है तो उसमें भारत भी है तो भारत की वृद्धि में उद्योगों का भी एक बहुत बड़ा रोल है दूसरा इसमें हम एक चीज को और दोष दे सकते हैं वो है फैशन ये एक पक्ष अलग है कैसे दे सकते हैं आप सोचें कि सर फैशन पे क्यों बोल रहे हैं आप भाई फैशन पे इसलिए बोला जा रहा है क्यों आज से 25 से 30 साल पहले अगर जो घरों में माहौल हुआ करता था वो ये हुआ करता था कि एक कपड़े होते थे एक सामान्य सी बात करें तो उस समय बाहर पहनने के एक अलग कपड़े होते थे जो आपको कभी कोई फेस्टिवल हुआ या फिर आप शादी में जा रहे हैं किसी बर्थडे में जा रहे हैं तो पहनने मिलता था लेकिन और एक घर के कपड़े अलग हुआ करते थे लेकिन आज का जो फैशन का दौर है उसमें फॉर्मल कपड़े अलग हैं नाइट वियर अलग है जिम वियर अलग है, मॉर्निंग वॉक पे जाने के कपड़े अलग हैं दिन में पहनने के कपड़े अलग हैं तो ये क्या है ये कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं संसाधनों पर प्रेशर ही तो डाल रहे हैं हम संसाधनों पर दबाव ही तो डाल रहे हैं और ये अगर तेज़ी से बढ़ेगा तो भाई कार्बन उत्सर्जन तो बढ़ेगा ही तो केवल क्या भारत को रखा जा सकता है देखिए हम यहां पर जो बात कर रहे हैं हम दोषारोपण नहीं कर रहे हैं हम वजहों को समझ रहे हैं कि इसकी वृद्धि में कौन कौन से कारक हैं तो उसी के हिसाब से आपको परिणाम भी समझने आएंगे कि भाई कार्बन उत्सर्जन लगातार बढ़ रहा है तो इसको कम करना तो मुश्किल होगा और जब आप इसके परिणाम लिखेंगे तो उनमें ये सारे उदाहरण को बहुत आसानी से पेश कर सकते हैं समझने आ रही है बात दूसरी चीज अगर हम बात करें तो हमारा जो खान पान है वो भी तेजी से क्या कर रहा है तेजी से इसमें वृद्धि ला रहा है आप बोलेंगे सर क्या खाने पीने से भी कार्बन उत्सर्जन होता है तो भी बिल्कुल होता है आप सोचिए कि अगर आप ऊर्जा का संरक्षण का नियम पढ़ते हैं या आप आगे चल के मैं पारिस्थितिकी में पढ़ाऊंगा कि मान लिया जाए कि कोई घास है उस घास को बकरी ने खाया हिरण ने खा लिया हिरण को बाघ ने खा लिया शेर ने खा लिया तो होता क्या है जो ऊर्जा का स्थानांतरण नियम कहता है हस्तांतरण कि कैसे ट्रांसफ़र होती है तो भाई ये घास से सिर्फ दस परसेंट ही ऊर्जा किसके पास जाएगी बकरी के पास जाएगी या हिरण के पास जाएगी और इसका दस प्रतिशत बाघ के पास जाएगी मतलब मान लिया जाए इस घास में 100 कैलोरी हुआ करती थी तो इस 100 कैलोरी का 10 कैलोरी ही किसके पास पहुंचेगा हिरण के पास पहुंचेगा और हिरण से बाघ के पास कितनी कैलोरी पहुंचेगी एक कैलोरी पहुंचेगी अब ये नियम तो आप पढ़ेंगे भी आगे चलकर और अक्सर पढ़ते भी हैं अब आप लोग बोलेंगे कि इस नियम से भारत की वृद्धि का या कहीं की भी वृद्धि का कैसे रिलेशन हो सकता है तो हो सकता है थोड़ा ध्यान दीजिए मैं यहां पर किसी भी तरह से यह नहीं कह रहा हूं कि यह सिस्टम ही खत्म कर देना चाहिए लेकिन इसमें कारण है देखिए समझिए मतलब एक बकरी जो है घास खा रही है तो बकरी के घास खाने से जो ऊर्जा उसको मिल रही है वो उसका दस प्रतिशत ही मिल रही है लेकिन जो बाघ है वो बाघ की मजबूरी है कि बाघ को बकरी ही या हिरण या कोई ना कोई चीज खानी पड़ेगी हाँ खाद्य श्रृंखला की बात हो रही है ये खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत देख रहे हैं लेकिन ये खाद्य श्रृंखला वैश्विक तापन में किस तरीके से जिम्मेदार होती है हम उस एंगल को समझने का प्रयास कर रहे हैं मान लिया जाए कि इस जगह पर इंसान था भाई इंसान भी तो मांसाहार का सेवन करता है लेकिन यहाँ पे देखिए ये डिबेट नहीं है मैं पहले ही क्लियर कर रहा हूं कि मांसाहार खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए उस पर कभी और बात करेंगे अभी हम समझ रहे हैं कि भाई मांसाहार का प्रयोग क्या वैश्विक तापन को बढ़ा रहा है तो बिल्कुल बढ़ा रहा है और खान पान दूसरी चीज है खान पान पर भी मैं आऊंगा लेकिन ऊर्जा के संरक्षण की बात करें या फिर हस्तांतरण की बात करें तो इस विषय को आप ध्यान से समझिए मान लिया जाए इस बाघ की तो मजबूरी थी अब ले आते हैं मानव की बात भाई मानव जो है वो अगर किसी बकरी को खाएगा तो एक बकरी जो है मतलब मान लिया जाए कि वो मटन खा रहा है तो वो किससे मिल रहा है बकरी से ही मिल रहा है तो अगर वो मांसाहार का सेवन कर रहा है तो वो क्या कर रहा है कहीं ना कहीं कार्बन उत्सर्जन को बढ़ा दे रहा है आप सोचेंगे कैसे बढ़ा दे रहा है तो आप समझिए एक बकरी के लिए क्या है एक लगभग अगर हम बात कर रहे हैं कि एक सत्तर अस्सी किलो की बकरी का निर्माण करना है या उसको पूरी तरह से जीवित रखना है तो आपको उससे दस गुना घास उत्पन्न करनी पड़ेगी और उस घास के कारण आपको पूरे संसाधन लगाने पड़ेंगे और वो संसाधन जो है वो बताया जाए तो अगर एक मानव कृषि पर निर्भर करता मतलब मानव अगर वो जो मानव मांसाहार खा रहा है अगर वो कृषि के उत्पादों पर काम करता तो क्या होता अब देखिए मानव अगर बकरी को खा रहा है या इस चीज को बात कर रहे हैं तो इससे क्या होगा आपको ये इकोसिस्टम और बड़ा बनाना पड़ेगा मतलब आपको घास के मैदान जो है एक बकरी के लिए उससे दस गुना बनाने पड़ेंगे तब आप उसकी भोजन की आपूर्ति कर पाएंगे लेकिन अगर एक मानव की बात करें तो मानव भी इससे करेगा अगर एक मानव को आपको तृप्त करना है तो उसके लिए भी दस गुना ही होगा क्योंकि ऊर्जा का हस्तांतरण ऐसी दस प्रतिशत से होता है लेकिन अगर एक मानव क्या खाने लगा मांसाहार का सेवन करने लगा तो मांसाहार के लिए इससे जो ऊर्जा मिल रही है इसको इस तीसरी साइकिल में मिल रही है अब इस तीसरी साइकिल में मिलने का अर्थ यही है समझिए पे कि आपका यहां मान लिया जाए सौ वृक्ष हैं या सौ तरह की अलग जैसे घास में आप कोई फसल भी ले सकते हैं कोई दूसरी चीज भी ले सकते हैं जो कोई भी एक शाकाहारी जीव खा रहा है मतलब शाकाहारी जीव जैसे हमने यहां पे बात की अब यहां पे हम मानव को ले लेते हैं तो भाई मानव इसको भी खा सकता था डायरेक्टली लेकिन होगा क्या अगर मानव मांसाहार का सेवन ज्यादा करेगा तो हम क्या करेंगे हम इस इकोसिस्टम पर ज्यादा दबाव डालेंगे मतलब एक मानव जो मांसाहार खा रहा है वो दस प्रतिशत ही ऊर्जा कहां से ले पा रहा है वो दस प्रतिशत ऊर्जा ही ले पा रहा है आपका इस मास से लेकिन अगर वही शाकाहार खाता तो शाकाहार आपको लगभग पचास लोगों को भोजन मुहैया कराता तो कहीं ना कहीं मासाहार कार्बन उत्सर्जन को तेजी से बढ़ाता जा रहा है मतलब मानव अगर सेकेंड स्टेज पे रहेगा तो इस पर असर डालेगा लेकिन मानव अगर थर्ड स्टेज पे रहेगा तो वो इस पे असर डालेगा और उसको एक बकरी से तो काम नहीं होगा अब जब मानव मांसाहार का सेवन लगातार तेजी से करता रहेगा तो उसको इस इसमें वृद्धि करनी होगी और इस पर वृद्धि करना मतलब दूसरी स्टेज को वृद्धि करना तो कार्बन उत्सर्जन को धीरे धीरे बढ़ाना ही क्योंकि मानव की तृप्ति तो होगी नहीं क्योंकि उसको जितनी ऊर्जा मिल रही है वो तो बहुत ही कम मिल रही है वो जो सीधे भोजन शाकाहार से भोजन प्राप्त करता तो उसको ज्यादा ऊर्जा मिलती क्योंकि ऊर्जा हस्तांतरण में वो तीसरे नंबर पर है अगर वो इस स्टेज पर रहता तो दूसरे नंबर पर रहता तो यह भी एक चीज बताई जा रही है कि भाई आपके कार्बन वृद्धि में मांसाहार का भी रोल है मैंने आपको शुरू में भी कहा यह डिबेट नहीं है कि मांसाहार खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए ये सबकी फूड चॉइसेस हैं लेकिन आप यहाँ पर वृद्धि का एक कारण बता सकते हैं दूसरा आज जो हम खाना खाते हैं वो हमारी चॉइसेस के हिसाब से खाते हैं हमारी पसंद के हिसाब से खाते हैं आज से 20-25 साल पहले जो खाना होता था वो खाया जाता था और आज भी भारत के अंतर्गत कई ऐसी जगह हैं ऐसे लोग हैं जिनको खाना नहीं मिल पा रहा है दो समय का तो उनको जो मिल जाता है वो खा लेते हैं लेकिन भारत में ऐसे भी लोग हैं जो एक समय सेवन कोर्स मील नाइन कोर्स मील खा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम किस पर दबाव डाल रहे हैं हम संसाधनों पर दबाव डाल रहे हैं आप पैसों से उनको खरीद तो सकते हैं लेकिन प्रकृति पर उनका दबाव होगा ही होगा और यह भी चीज देखने में मिलती ही मिलती है तो हम खान पान को भी यहाँ पर दोषी ठहरा सकते हैं दूसरा कई तरह की जो नई तकनीक है उनसे भी कार्बन उत्सर्जन हो रहा है नई तकनीक जैसे कृषि की भी बात करें या फिर आज की डेट में आप बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे बायोटेक्नोलॉजी हो गया नैनो टेक्नोलॉजी हो गया जब इनका निर्माण होता है जब आपकी इंडस्ट्रीज़ में ऑटोमोबाइल्स का इस्तेमाल होता है तो वो भी कार्बन उत्सर्जन को लगातार बढ़ाता है तो भारत के आप ये सारे कारण बता सकते हैं दूसरी चीज़ भारत में दुनिया से कम क्यों है क्योंकि भारतीय माइंडसेट जो है वो अभी भी बेहतर है दूसरे देशों से हमारे यहाँ अगर एक कपड़ा खराब हो जाता है तो भाई उस कपड़े के अलग अलग प्रयोग हो सकते हैं उसको पोछे के तौर पर बनाया जा सकता है उसकी कटिंग करके अलग अलग जगह पे हम उपयोग कर देते हैं तो एक ही चीज़ को हम कई दफ़ा प्रयोग कर लेते हैं लेकिन बाहर के देशों में ऐसा नहीं मिलता है तो भाई भारत के अंतर्गत जो संसाधन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं एक छोटी छोटी चीज़ों को यहाँ पर सहेज कर रखा जाता है कि इनका प्रयोग हम आगे कर पाएंगे तो हमारी जो स्टाइल है हमारा जो जीवन रहने का तरीका है जो हमारे कल्चर में चीज़ें रही हैं उनके कारण भी भारन, भारत भारत के अंतर्गत ऑलरेडी ऐसी चीज़ है कि भाई कम से कम संसाधनों पर दबाव डाला जाए तो ये भारत की एक खासियत है इसलिए भारत का कार्बन उत्सर्जन प्रति व्यक्ति उत्सर्जन दूसरे देशों से कम देखने मिलता है दूसरा भारत के अंतर्गत अगर हम स्थितियों को देखें तो भारत के अंतर्गत स्थिति ऐसी है कि हमारे यहाँ कुछ चीज़ों में हमारी मजबूरी हो जाती है कि हमें पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल करना पड़ता है क्योंकि हमारे पास अभी उस तरह का इकोसिस्टम नहीं है कि हम सौर ऊर्जा के पैनल्स लगे हैं घरों घरों में या पवन ऊर्जा का बहुत ज़्यादा अत्यधिक यूज़ हो रहा है तो भारत की मजबूरी है जो लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्या कर पा रहे हैं वो जब उनके पास उतना पैसा है उनके पास उतनी समृद्धि है तब जाकर भारत में उनका प्रयोग किया जा रहा है लेकिन एक तबका ऐसा है जो आज भी प्राकृतिक संसाधनों जैसे हमारी ट्राइब्स है ये ट्राइब्स किसी भी तरह से फॉसिल फ्यूल्स पर निर्भर नहीं है हमारी जो जनजातियां हैं वो पूरी तरह से प्राकृतिक प्राकृतिक संसाधनों पर ही निर्भर हैं और कई ऐसी चीज़ है जो भारत में आपको देखने मिलेगा एक वर्ग जो है वो आपका जड़ी बूटियों पर पेड़ पौधों पर आयुर्वेद की अगर हम शाखाएं देख लें तो ये जो है प्राकृतिक प्रकृति पर किसी भी तरह से दबाव नहीं डाल रहे हैं तो भारत की संस्कृति और भारत में जो कई सालों से जो चीज़ें प्रयोग हो रही हैं उसके कारण भारत का कार्बन उत्सर्जन दूसरे देशों से कम देखने मिलता है तो इस तरीके से आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि भारत और दूसरे देशों के बीच में क्या अंतर है अब देखिए अब जो है हमारा जो टॉपिक था कि भाई क्या आपका जितनी भी ग्रीन हाउस गैस हैं इनके परिणाम क्या हैं? तो इनके भयानक परिणामों को भी देख लेते हैं कि भाई क्या परिणाम है तो लगभग इसके सात परिणाम मैं बताऊंगा आपको अब इन सात परिणामों में क्या क्या है तो सबसे पहले देख लेते हैं कि भाई कौन सा परिणाम है तो इसमें एक परिणाम मैंने आपको पहले भी बताया था एक इंपैक्ट है जिसको हम पॉजिटिव कह सकते हैं वो क्या है तो भाई एक सकारात्मक प्रभाव ये होता है जिसको आप उर्वरकीय प्रभाव कहते हैं इसको फर्टिलाइजेशन इफेक्ट कहा जाता है इसका अर्थ क्या होता है इसका अर्थ यह होता है अगर वातावरण में ग्रीन हाउस गैस या सीओ टू इनका स्तर तेजी से बढ़ेगा तो क्या होता है कि पौधे अपना भोजन बनाने के लिए एक प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है अब ये जब वातावरण में ये तेजी से बढ़ती है तो क्या होता है प्रति पौधा उत्पादन प्रति पौधा उत्पादन में तेजी से वृद्धि हो जाती है इस तेजी से वृद्धि को ही हम कौन सा इफेक्ट कहते हैं फर्टिलाइजेशन इफेक्ट या प्रभाव यानी कि अगर आपका देखा जाए एक सेब का पेड़ है या फिर आप कोई भी दूसरा वृक्ष उठाकर देख लीजिए मान लिया जाए कि हम भारत में बहुत सारी चीजों का प्रयोग करते हैं तो कोई भी आप एग्जाम्पल वहां पे ले लीजिए तो अगर कहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर तेजी से बढ़ता जाएगा तो बढ़ते जाने से क्या होगा उस पौधे के अंतर्गत क्या होगा तो उसके अंतर्गत एक सकारात्मक प्रभाव यह होगा कि उसमें उर्वकीय प्रभाव देखने मिलेगा फर्टिलाइजेशन इफेक्ट देखने मिलेगा अगर ये सेब का पेड़ सौ किलो सेब का उत्पादन करता तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई है तो एक किलो का उत्पादन ये पेड़ करेगा तो आप बोलेंगे कि सर ये तो बहुत अच्छा है काम है इससे तो ये करना चाहिए कि सभी जगह जितने खेत हैं जितने खलियान हैं वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत तेजी से बढ़ा देना चाहिए लेकिन ये जो है ये क्या है प्रति पौधा उत्पादन को बढ़ाता है लेकिन ये रिजल्टेंट प्रोडक्शन को डिक्रीज करता है अब ये क्या मतलब हुआ तो इसका मतलब है कि जो इसका परिणामी प्रभाव है यह परिणामी उत्पादन है वो कम हो जाएगा अब यह बात आपके दिमाग में आ रही होगी सर एक तरफ तो आप बोल रहे हो कि भाई प्रोडक्शन बढ़ जा रहा है दूसरी तरफ कह रहे हो कि परिणामी उत्पादन उसका कम हो जाएगा तो इसका मतलब यह है कि भाई पहले एक पेड़ का उत्पादन तो बढ़ जाएगा लेकिन मान लिया जाए जितने भी जगह पर सेब के पेड़ लगे हुए हैं उन जगहों को जब हम बहुत गहराई में देखेंगे तो मिलता कि भाई इन पेड़ों से लगभग एक लाख किलो सेब निकल रहे थे पहले तो अगर कार्बन का उत्सर्जन बढ़ने लगेगा तो यह अस्सी हजार पर आ जाएगा तो आपको लग रहा होगा कि सर आप कैसी बात बता रहे हो आप एक तरफ तो बोल रहे हो कि प्रति पौधा उत्पादन बढ़ता जाएगा और दूसरा उसका परिणामी प्रभाव कम होता जाएगा भाई ऐसा इसलिए होगा इसका परिणामी प्रभाव मतलब एक पेड़ तो उत्पादन कर देगा लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से दूसरे प्रभाव भी तो होंगे क्या दूसरे प्रभाव होंगे मान लिया जाए कि अगर तापमान लगातार बढ़ रहा है तो ग्लेशियर क्या हो रहे हैं पिघल रहे हैं अब ग्लेशियर पिघल रहे हैं तो वो किस जगह पर आएंगे वो समुद्र के स्तर को बढ़ाते जाएंगे अब समुद्र के स्तर को जब वो लगातार बढ़ाते जाएंगे तो भाई समुद्र का पानी कहां घुसने लगेगा वो टोक्यो जैसे शहरों में आएगा वो इंडोनेशिया के जकार्ता जैसे शहरों में आएगा हमारे मुंबई जैसे शहरों में चेन्नई जैसे शहरों में लगातार वृद्धि करता रहेगा तो होगा क्या धीरे धीरे जो विश्व के बड़े बड़े शहर हैं वो जलमग्न हो जाएंगे जब वो जलमग्न हो जाएंगे तो क्या उनके पास कृषि के लिए उस सेब उगाने के लिए क्या धरती बचेगी ये तो एक उदाहरण है सेब का आप सोचेंगे भाई सर पानी कितना भी आ जाए सेब तो हमारे हिमाचल में उगते हैं हमारे उत्पादन में फर्क नहीं होगा ये तो एक प्रभाव है दूसरी प्रभाव भी होता है अभी मैं सारे प्रभाव बात करूंगा तो उससे परिणामी प्रभाव जो है रिजल्टेंट इफेक्ट जो है वो डिक्रीज होगा एक पौधा तो उत्पादन बड़ा कर देगा लेकिन जो पूरा मिलकर प्रोडक्शन होता था उसमें लगातार क्या होने लगेगी गिरावट आने लगेगी एक ये बहुत बड़ी समस्या यहां से उत्पन्न होती है तो हम इसको थोड़ा बहुत पॉजिटिव बोल सकते हैं लेकिन इसका परिणामी प्रभाव कम होगा ही होगा समझ आ रही है बात यहां से भाई अर्थ का गर्म होना पॉजिटिव मानते हैं मैं शुरुआत से बता रहा हूं कि भाई ये एक सामान्य घटना है एक अनिवार्य घटना है लेकिन उसमें आप वृद्धि करते रहोगे तो कैसे काम होगा बिल्कुल बहुत अच्छी बात है एप्पल होते हैं चलिए एप्पल का एग्जाम्पल भी ले लिया तो चलिए एक एक करके मैं यहां पे बात कर रहा था तो होगा क्या कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड अगर मिलेगा तो भाई पौधा और ज्यादा वृद्धि करने लगेगा तो इस वृद्धि से एक प्रति पौधा उत्पादन बढ़ना और बाकी चीजों में परिणामी में घटना यह चीज देखने मिलती है तो यह एक सकारात्मक के अंतर्गत आता है ठीक है सर पेड़ों के लिए कार्बन लाभदायक होता है तो उपज कम क्यों होगी उपज तो ज्यादा होनी चाहिए देखिए में मैं कहीं कम नहीं बोल रहा हूं एक पेड़ अगर इतना उत्पादन ऐसा छोटा पेड़ था तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण वृद्धि कर लेगा लेकिन केवल एक ही प्रभाव थोड़ी है ग्रीन हाउस गैस का कि बस पेड़ ही उग रहे हैं बाकी चीजें भी हो रही हैं पहले उनको समझ लेते हैं फिर इस पर वापस आ जाएंगे अभी और भी तो प्रभाव पड़ने अब देखिए सबसे पहली चीज समझिए कि क्या हो रहा है जब धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा तो पृथ्वी के तापमान बढ़ने से बहुत सारी समस्या उत्पन्न होगी सबसे पहली चीज क्या है ग्लेशियरों का पिघलना चालू हो जाएगा अब जब हिमनद पिघलेंगे तो हिमनद पिघल कर क्या करेंगे एक बहुत बड़ी चीज होगी आप देखा जाए तो भारत में एक नदी है जिसका नाम है गंगा नदी गंगा कहां से उद्गम होता है तो आप बोलेंगे कि सर गंगोत्री जाइए उत्तरकाशी जिले में वहां से गंगा का उद्गम होता है अब वो भी तो क्या है गंगोत्री में भी हमें ग्लेशियर देखने मिलता है यमुनोत्री में भी हमें ग्लेशियर देखने मिलता है सिंधु नदी का उद्गम होता है वहां पर भी ग्लेशियर देखने मिलता है तो होगा क्या जितनी भी हिमानी नदी हैं जितनी भी ग्लेशियल रिवर हैं उनका क्या होगा जब धीरे धीरे ग्लेशियर पिघलने पि लगे तो इसका असर नदियों पर सुनिए जितनी भी नदी हैं उन नदियों में उन रिवर्स में जो हिमानी नदी है हम उनकी बात कर रहे हैं उन हिमानी नदियों में बर्फ क्या होगी पिघलेगी अब जब बर्फ पिघल जाएगी तो जल का स्तर इनमें कैसा हो जाएगा जल का स्तर तेजी से बढ़ेगा अगर आप कभी उत्तराखंड गए होंगे तो उत्तराखंड में आपको देखने मिलेगा देवप्रयाग से पहले गंगा बहुत ही पतली सी धारा आ रही होती है हरिद्वार आते आते थोड़ा सा उसमें विस्तार होता है लेकिन उत्तर प्रदेश पहुंचते पहुंचते तो गंगा और ज्यादा विस्तारित हो जाती है तो इसका मतलब यही है कि भाई जब यहाँ से हिमनद जो होते हैं वो धीरे धीरे आपके वृद्धि उनमें देखने मिलती है तो जैसे ही हिमानी नदियां होंगी तापमान में तेजी से वृद्धि होगी तो क्या होगा वो पिघलेंगी और पिघलने के बाद जल का स्तर उनमें बढ़ जाएगा तो बाढ़ जैसी स्थितियां करने लगेगी तो मतलब हिमानी नदियों में ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या होगा बाढ़ आ जाएगी और बाढ़ आने के बाद यह तबाही मचाएगी दूसरा जब इसमें पूरे ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे तो एक समय के बाद ये नदियां कैसी होंगी ये सूख जाएंगी इनको जो आज पानी मिल पा रहा है वो पूरी तरह से नहीं मिल पाएगा तो इससे दोनों ही प्रभाव होंगे इससे अत्यधिक बाढ़ की स्थिति हो जाएगी और सूखे की स्थिति हो जाएगी हिमानी नदियों में इन नदियों में पानी तभी देखने मिलेगा जब क्या आएगा मॉनसून आएगा वर्षा होगी तो इनमें जल देखने मिलेगा जैसी वर्षा जाएगी इनका जल स्तर वापस से सामान्य स्तर पर आ जाएगा तो भाई इससे बहुत बड़ा फायदा कुछ नहीं होगा ग्लोबल वार्मिंग कहीं ना कहीं नदियों को सुखा कर रख देगी पहले बाढ़ लाकर उजाड़ कर रख देगी ये सारी कंडीशन होंगी इसके अलावा समझिए इससे होगा क्या कि जो बड़े बड़े ग्लेशियर हैं वो पृथ्वी पर जमे हुए हैं इससे घटना होती है जिसको आइसोस्टेसी कहा जाता है ये आप जियोमोर्फोलॉजी में पढ़ेंगे जियोमोर्फोलॉजी का मतलब भूआकृति विज्ञान जियोमोर्फोलॉजी में आप देखते हैं तो एक आइसोस्टेसी करके एक टॉपिक पढ़ाया जाता है ये क्या होता है ये मान लिया जाए आप कभी सीसो पर बैठे झूले पर बैठे एक तरफ आपने वजन दिया तो दूसरी तरफ कोई उठ जाता है दूसरी तरफ वजन दिया तो इस तरफ उठ जाता है अब मान लिया जाए कि पृथ्वी पर जो ग्लेशियर हैं कोई हल्के फुल्के तो है नहीं कि दस बारह किलो के हों टनों का है इसमें वजन अब जब ये इतना पृथ्वी पर दबाव डाल रहे होते हैं किसी भी जगह पर इनका जो वजन है वो तेजी से इस पर प्रभाव डल रहा होता है तो होता क्या है कि जैसे जैसे हिम्मत पिघलेगा तो यहां पर जो पृथ्वी का आंतरिक संतुलन है वो भी बगड़े बिगड़ेगा और ये आर जो आंतरिक संतुलन बिगड़ने के कारण ये होगा कि पृथ्वी की प्लेटों में बदलाव आना चालू होगा और जब प्लेट बदलाव करेंगी तो क्या करेंगी प्लेट का हिलना ही तो भूकंप है और ये जब समुद्रों में होगा तो सुनामी जैसी घटनाएं होंगी तो इसके कारण आइसोस्टेसी या भू आकृति जो प्लेटों के अंतर्गत बदलाव आएगा हिमनदों के बदलाव आने में हिमनदों के पिघलने के कारण पिघलना कहीं ना कहीं इन चीजों को बढ़ा देगा और जिसके कारण सुनामी जैसी घटनाएं इसके अलावा भूकंप जैसी घटनाएं यह भी तेजी से बढ़ने लगेंगी तो इस ये भी आपको बात समझने आ रही होगी इसके बाद एक और प्रभाव क्या होगा आज से इसमें एक होता है चक्रवाती प्रभाव जब समुद्रों के ऊपर एक प्रभाव आप पढ़ते हैं कि भाई समुद्रों के ऊपर जब तापमान लगातार वृद्धि होती रहती है सत्ताईस डिग्री सेल्सियस से अगर समुद्र में तापमान ज्यादा बना रहेगा तो वो किसको मतलब किस चीज़ का प्रभाव डालेगा तो चक्रवाती प्रभाव डालेगा आज से 20-25 साल पहले इतने चक्रवात नहीं आते थे लेकिन धीरे धीरे जैसे तापमान पृथ्वी का बढ़ता जा रहा है इस तापमान ने चक्रवातों की संख्या को आवृत्ति को बढ़ा दिया है आए दिन आप सुनते रहते हैं कि उड़ीसा के तट पर कोई चक्रवात आ गया जैसे अभी विपर जॉय का नाम सुन रहे हैं कुछ दिनों में तेज का नाम सुनेंगे कुछ साल पहले अम्पान का नाम सुन रहे थे ऐसे कितने सारे आपको चक्रवात और वो कैसे चक्रवात उष्ण कटिबंधीय चक्रवात उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, चक्रवात में वृद्धि होना उष्ण कटिबंधीय चक्रवात में वृद्धि होना मतलब ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इंक्रीज हो जाएंगे और हो भी रहे हैं जिनका हम ताजा उदाहरण देख ही रहे हैं वो भी क्या है तो वो भी वैश्विक तापन के कारण होने वाली एक घटना ही है कि भाई ये चक्रवातों को भी बढ़ा देती है और चक्रवात कोई अच्छी घटना तो है नहीं कि चक्रवात आया तो उससे हमें बहुत कुछ लाभ हो गया वर्षा कुछ जगह पे होती है लेकिन इतनी आंधी इतनी ज़्यादा बरसात कि कई लोगों के घर उजड़ जाते हैं और भारत के अंतर्गत स्थिति तो और खराब हो जाती है कई लोगों के पास जो सबसे ज्यादा इसमें असर होता है चक्रवातों में आने से वो एकदम गरीब तबके को, को होता है क्योंकि उनके पास घर ही नहीं होता है वो जो घर बनाते हैं वो सबसे पहले इन चक्रवातों की चपेट में आते हैं इसलिए तो एनडीआरएफ की टीम्स आप देखेंगे तो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाती है इनको दूसरे घरों में शिफ्ट करती है ताकि किसी भी तरह से इनको नुकसान ना हो तो बात समझ में आई यहां पे तो इसमें हम चक्रवाती प्रभाव भी देखने मिलते हैं दूसरा क्या होगा वाष्पीकरण को बढ़ा देगा यह वाष्पीकरण को बढ़ाने के कारण क्या होगा तो भाई अत्यधिक वर्षा होगी मतलब आप देख रहे हैं अभी कई जगहों पे जैसे मानसून के बाद भी देश भर में वर्षा होती रहती है और कई जगहों पर जो फसलें हैं उनको खराब कर देती है तो वाष्पीकरण अधिक होगा तो क्या होगा बादलों का निर्माण अधिक होगा और बादलों का निर्माण अधिक होगा तो वर्षा अधिक होगी और वर्षा अधिक होगी तो जल मग्न वाली स्थिति तो होगी ही होगी और जल मग्ने के कारण एक स्थिति यह भी होगी कि एक समय तो आपको अत्यधिक जल मिल जाएगा और एक समय सूखे जैसी स्थिति हो जाएगी इस तरह की घटनाएं भी आपको देखने मिल रही हैं तो मतलब आपकी मौसमी वर्षा नहीं होगी आपको किसी भी तरह से कभी भी वर्षा होने मिल जाएगी फसल का समय है उगने का समय है उस समय वो फसलों को उजाड़ कर रख देगा तो वाष्पीकरण उस तरीके से भी दिक्कत देगा दूसरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है वो भी समझिए होता क्या है जब तापमान में वृद्धि होने लगती है तो तापमान में वृद्धि किस चीज के प्रभाव को बढ़ा देती है जैसे आप गर्मी के मौसम में एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि भाई घरों में खाना बहुत तेजी से खराब होने लगता है आप देखते हैं भाई गर्मी के दिनों में आपने खाना दूध वूध बाहर छोड़ दिया बहुत तेजी से खराब हो जाएगा वहीं ठंड के दिनों में कुछ देर छूट भी गया तो भी दिक्कत नहीं होती है क्यों होता है ऐसा क्योंकि दो चीजें ऐसी हैं कवक यानी फंगस या फंगाई और दूसरी चीज है जीवाणु यानी बैक्टीरिया इनकी विकास दर तापमान पर निर्भर करती है आप बोलेंगे सर कैसे निर्भर करती है तो भाई आप कोई भी चीज को फ्रिज में क्यों रखते हैं फ्रिज में इसलिए रखा जाता है क्योंकि वहां तापमान कम होता है और वो चीज बची रह जाती है लेकिन आप लगातार तापमान में वृद्धि होगी तो कवकों का जीवाणुओं का जो वृद्धि दर है विकास दर है वो तेजी से होगा और ये चीज़ों को खराब करना चालू करेंगे आपकी फसलें खराब होने लगेंगी आपको कई तरह की अपघटन की जो प्रक्रिया है वो बहुत तेजी से होने लगेगी कई तरह के रोगों को उत्पन्न करने लगेगा मच्छरों की जो जनसंख्या है उनको बढ़ाने लगेगा डेंगू जैसे रोग मलेरिया जैसे रोग साथ साथ आपको अलग अलग प्रकार के जो विषाणु रोग हैं उनमें भी तेज़ी से वृद्धि होगी क्योंकि तापमान जब बढ़ने लगता है तो ये सारी घटनाएं होने लगती हैं तो इसका एक हेल्थ इफेक्ट भी है कि आपको बीमारियां भी होने लगेंगी उन बीमारियों के कारण आपके इम्यून सिस्टम पर आपके प्रतिरक्षा तंत्र पर भी असर होगा और जब पूरी सोसाइटी प्रतिरक्षा तंत्र से जूझ रही होगी इम्यूनिटी से जूझ रही होगी तो कोई भी बीमारी आएगी महामारी फैलाएगी लोगों की जान लेकर चली जाएगी तो ये एक बहुत बड़ी समस्या ग्लोबल वार्मिंग से क्योंकि हम ग्लोबल वार्मिंग सुनते हैं बस तापमान बढ़ा तापमान बड़े होने से हमें फ्रिज को एसी को इनको ज़्यादा इस्तेमाल करना होगा लेकिन नहीं इनसे हमें हेल्थ इफेक्ट्स भी होंगे इससे हमें जलमग्न की स्थिति भी होगी इससे हमें कृषि की भूमि में भी दिक्कत आना चालू होगी ये सारे ही प्रकार आप उसमें बता सकते हैं तो भाई जब भी आपकी क्या होता है वैश्विक तापन होता है तो इन्हीं से जो मौसम में बदलाव होने वाली घटनाएं हैं वो होना चालू हो जाती हैं चाहे बाढ़ जैसी स्थिति हो चाहे तूफान जैसी स्थिति हो चाहे दावानल हो दावानल मतलब जंगलों की आग जंगलों की आग कैसे लग रही है जंगलों की आग ऐसे ही लग रही है कि जब तापमान लगातार वृद्धि होने लगती है तो वहां की लकड़ियां आपस में टकरा कर रेजिन उनके अंतर्गत पाया जाता है और वो रेजिन आग को बहुत तेजी से बढ़ाता है जंगल जल कर खाक हो जाते हैं वहां पाए जाने वाले जीव जलकर खाक हो जाते हैं हमारी पूरी जैव विविधता का विनाश हो जाता है तो ये सारे कारण क्या है हम बता सकते हैं इसके अलावा किसी जगह पर अगर वर्षा का अनुपात बहुत तेजी से बढ़ता है तो जलमग्न जैसी स्थिति होती है फ्लड जैसी स्थिति होती है लेकिन एक स्थिति और होती है जिसको हम बोल सकते हैं कि क्या होता है मरुस्थलों का निर्माण भी होने लगता है कि सूखे की स्थिति में मरु मरुस्थल जो होंगे वो परावर्तित होते रहेंगे क्योंकि किसी भी जगह को अगर बहुत अधिक वर्षा नहीं मिल पाएगी तो वो धीरे धीरे स्थान मरुस्थल में परिवर्तित हो जाते हैं और वहां की समस्याएं अलग होती हैं तो भाई सारे ही कारण आप यहां पर बता सकते हैं कि यह भी कारण है मैंने मच्छरों का कारण बनाया इनकी जनसंख्या में वृद्धि होगी इसके अलावा प्रवाल विरंजन, समझिए इस चीज को। कोरल ब्लीचिंग ये एक समस्या होगी क्या होगा इस कोरल ब्लीचिंग में यह एक सामान्य प्रवाल है जिसके ऊपर क्या है शैवाल की परत जमी हुई है अब जब शैवाल की परत जमी हुई है तो यहाँ प्लैंकटॉन्स या मछलियाँ ये सारी चीज़ें आएंगी और ये पूरा एक पारिस्थितिक तंत्र बना रहेगा लेकिन धीरे धीरे जैसे तापमान बढ़ता जाएगा तो तापमान के बढ़ने के कारण यहाँ की जो शैवालें हैं वो नष्ट होने लगेंगी कोरल विरंजन जैसी घटना प्रवाल विरंजन जैसी घटना होगी और यहाँ पर जो चालीस प्रता 50 प्रतिशत जो समुद्री मछलियां हैं वो जल जाएंगी क्योंकि आप सुनते हैं कि प्रवालों पर तापमान का बहुत असर होता है ये आपको एकदम जो हमारी भूमध्य रेखा के आसपास की जो चीजें हैं वहां देखने नहीं मिलती हैं तो ये प्रवाल विरंजन जैसी घटनाएं भी इससे जुड़ी रहेंगी कोरल ब्लीचिंग वाली जो घटनाएं हैं वो भी इससे हम बोल सकते हैं दूसरी चीज अब समझिए कि जब आपका जल स्तर बढ़ने लगा जल स्तर का मतलब आपका जब ग्लेशियर पिघलेंगे हिमनद पिघलेंगे तो हिमनद पिघल कर क्या करेंगे जल में ही तो परिवर्तित होंगे तो जल स्तर क्या होगा दुनिया में बढ़ने लगेगा जो बड़े बड़े शहर हैं न्यूयॉर्क जैसे शहर बीजिंग जैसे शहर टोक्यो जैसे शहर मुंबई बेंग इसमें कोची शहर की बात कर लें चेन्नई की बात कर लें विशाखापट्टनम की बात कर लें कोलकाता की बात कर लें ये सारी चीजें तो भारत के अंतर्गत हैं ये सारे देश क्या होंगे धीरे धीरे डूबने लगेंगे अब जब डूबेंगे तो क्या होगा माइग्रेशन होगा माइग्रेशन मतलब विस्थापन होगा लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने लगेंगे और दूसरी जगह जाने पर क्या होगा संसाधनों पर दबाव आएगा ही आएगा और जब संसाधनों पर दबाव आएगा तो क्या होगा तो ग्लोबल वार्मिंग होगी वैश्विक तापन होंगे तो ये सारे ही कारण हम वहां पर बता सकते हैं तो भाई आज की क्लास में हमने ग्रीन हाउस गैस के बढ़ने के कारण जो होने वाली घटना है वैश्विक तापन उस वैश्विक तापन के क्या परिणाम होंगे तो मैंने आपको बताया था कि भाई इसके हम अलग अलग परिणाम बता सकते हैं एक से आठ तक अब देखिए जो ये मैंने आपको बताया कि भाई अब आपके पास कृषि की भूमि भी तो नहीं बचेगी कृषि की भूमि भी जो है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी अब जब कृषि की भूमि कम होगी तो कृषि का उत्पादन भी कम होगा और जब कृषि का उत्पादन कम होगा तो भाई कृषि के उत्पादन कम होने से आपका जो परिणामी प्रभाव था वो भी तो कम हो जाएगा देखो आप मान लो कि आप जिस इकोसिस्टम में रहते हो जिस पारिस्थितिक तंत्र में रहते हो वहां पर जैसा अगर भारत में आज कई शहरों में 40 डिग्री तापमान चला जा रहा है इस पे लोगों के रहने की आदत है यहाँ पे सडनली 50 डिग्री टेम्परेचर होगा तो हमें जलवायु परिवर्तन ही जैसी घटना हो गई क्योंकि यहाँ पर हमें जिस जीवन में रहने की आदि थे वो परिवार परिवर्तित हो गया अब सहारा में जो लोग रह रहे हैं वहाँ पर भी तो एक जलवायु में रहने की उनकी आदत हो गई है वहाँ सडनली तापमान में गिरावट आएगी तो उन पर भी असर करेगी ये सारी चीज़ें उस तरीके से असर कर जाती हैं बिल्कुल इंडोनेशिया ने तो बिल भी पास कर दिया है ग्लोबल वार्मिंग के देखने में एक आध सकारात्मक प्रभाव देखने मिलते हैं एक दिन वर्षा हो गई भाई ठंड आपको थोड़ी बहुत वहां पे तापमान में गिरावट हो गई लेकिन बाकी प्रभाव भी तो असर करेंगे ही करेंगे तो इसलिए मैंने आपको शुरुआत में जो पॉइंट बताया था कि आप लोग कह रहे थे कि भाई इस प्रति पौधा उत्पादन तो बढ़ रहा है भाई प्रति पौधा उत्पादन तो बढ़ा देंगे हम लेकिन परिणामी प्रभाव तो कम होगा ही होगा तो इस तरह की चीज़ें हमको देखने मिल सकती हैं तो हम ये सात से आठ पॉइंट कैसे लिखें इनको समझ लेते हैं तो मैं एक एक पॉइंट आपको बताता चलता हूं ताकि आप इनके नोट्स भी बनाते चलें तो सबसे पहला सकारात्मक प्रभाव लेकिन वो सकारात्मक भी पूरी तरह से सकारात्मक नहीं है उसमें भी कुछ नेगेटिव पॉइंट्स आ जाते हैं लेकिन आपका पॉजिटिव पॉइंट क्या है और नेगेटिव पॉइंट क्या है तो भाई उर्वरकीय प्रभाव जो मैंने आपको पहले भी बताया कि प्रभाव गैस के कारण बढ़ेगा और यह बढ़ाकर क्या कर देगा तो यह सीओ टू के उत्सर्जन को से पौधों प्रति पौधा उत्पादन बढ़ा देगा लेकिन क्या करेगा आपका परिणामी उत्पादन घटा देगा यह एक पहली चीज होगी दूसरा जितनी हिमानी नदियां हैं उनका जल लगातार पिघलने लगेगा जब जल पिघलेगा तो शुरुआत में बाढ़ की स्थिति जलमग्न की स्थिति और फिर एक समय पर सूखा पड़ेगा ड्रॉट जैसी कंडीशन होगी इसके अलावा क्या होगा तीसरे पॉइंट में हम बोल सकते हैं जब आपके हिमनद पिघलेंगे तो इन्होंने जो कार्बन को कई सालों से सिंक करके रखा हुआ है जैसे अभी हाल ही में एक विषय आया था बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ने कवर किया हुआ था उसमें ये बताया गया कि भाई 2030 तक आर्टिक का क्षेत्र गर्मियों के दिनों में पूरी तरह से पिघल जाएगा तो भाई पूरी तरह से पिघलने से दिक्कत तो जल स्तर तो बढ़ेगा ही लेकिन साथ साथ जो ये हिमनद होते हैं ग्लेशियर्स होते हैं ये बहुत बड़े कार्बन के सिंक माने जाते हैं ये कई सालों से कार्बन को अपने अंतर्गत अवशोषित कर कर बैठे हैं लेकिन जैसे जैसे आपकी बर्फ पिघलने लगेगी वो कार्बन भी क्या होने लगेगा कार्बन का स्त्रोत्र बन जाएगा और ये कार्बन स्त्रोत्र ग्रीन हाउस गैस जो है उनके स्तर को बढ़ा देगा यानी वैश्विक तापन की घटना को वृद्धि कर देगा या ग्रीन हरित गृह प्रभाव में वृद्धि कर देगा तो वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि भाई हिमनद का पिघलना कार्बन सिंक को खत्म करेगा इसके अलावा क्या बता सकते हैं तो चौथे पॉइंट में आप बता सकते हैं कि भाई जल स्तर लगातार बढ़ने लगेगा और जल स्तर लगातार बढ़ेगा तो क्या होगा शहर जो हैं वो डूबने लगेंगे और इन शहरों के डूबने के कारण विस्थापन जैसी समस्या माइग्रेशन होने लगेगा माइग्रेशन के कारण संसाधनों पर अत्यधिक दबाव आएगा इसके अलावा कृषि की भू क्षेत्र में गिरावट आएगी इसके अलावा जनसंख्या की वृद्धि दर तो बढ़ी रही है लेकिन जनसंख्या की वृद्धि कहां पर हो जाएगी प्रति क्षेत्र में मतलब जिसको आप बोलते हैं जनसंख्या का घनत्व जनसंख्या का घनत्व तेजी से बढ़ने लगेगा जैसे अगर हम बात करें भारत की तो भारत की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार आप पढ़ते हैं कि भारत में तीन व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं मतलब एक वर्ग किलोमीटर में एक किलोमीटर इस तरह का मान लें कि एक किलोमीटर लंबाई एक किलोमीटर चौड़ाई का क्षेत्र ले लें तो इस पर कितने लोग रहते हैं भारत में तीन रहते हैं अरुणाचल प्रदेश में वहीं चले जाएं तो ये घटना बीस से कम हो जाती है लेकिन अगर हम दिल्ली चले जाएं, मुंबई चले जाएं, तो भाई हजारों में पच्चीस हजार छब्बीस हजार ये आंकड़ा तक छू जाता है एक वर्ग किलोमीटर में लोग रहते हैं तो भाई ये एक बहुत बड़ी समस्या तो होगी ना जब जल स्तर बढ़ेगा तो शहर डूबेंगे विस्थापन बढ़ेगा कृषि क्षेत्र बढ़ेगा कृषि क्षेत्र के साथ साथ आपका बफरिंग हो रही है दो मिनट रुक जाइए हो जाएगा ये थोड़ा सा टेक्निकल एरर के कारण शायद आपकी स्पीड में प्रॉब्लम आ रहा है लेकिन बहुत जल्दी स्पीड भी आ जाएगी तो घबराइए नहीं आप मेरी मेरी आवाज़ तो आप लोगों को आ ही रही है आप ध्यान से सुनते जाइए जो मैं कह रहा हूँ क्लास थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाएगी तो देखिए क्या मैं बोल रहा हूँ कि जल स्तर में जब लगातार वृद्धि होगी तो शहर तो डूबेंगे ही और जनसंख्या का असमान जो प्रभाव है वो भी देखने मिलेगा संसाधनों पर अधिक दबाव आएगा क्योंकि हमारी जो लाइफ है वो भी तो बदल रही है हम संसाधनों पर बहुत ज़्यादा दबाव डाल रहे हैं उसके कारण कार्बन उत्सर्जन में तेजी से वृद्धि देखने मिलेगी ही मिलेगी वॉइस क्लियर है चलिए ठीक है तो ये एक प्रभाव हमने देख लिया इसके बाद कौन सा प्रभाव है तो इसमें हम कवक जीवाणु और मच्छर इनकी जनसंख्या में वृद्धि देखने मिलेगी और ये वृद्धि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालेगी हमारी प्रतिरक्षा को कमजोर करके रख देगी तापमान वृद्धि जो भोजन के पदार्थ हैं उनको तेजी से खराब करने लगेगी यह सारी चीजें इससे जुड़ी रहेंगी चलिए अब आ गई है स्पीड तो आपको बफरिंग नहीं होगी बिल्कुल बिल्कुल सारी चीजें बताऊंगा मैं ये बात तो समझने आ रही है ना आपको कि भाई ये सारी घटनाएं इससे जुड़ी रहेंगी दूसरा मरुस्थलों में लगातार वृद्धि होगी क्यों होगी क्योंकि भाई वाष्पीकरण जो होगा वो उसकी दर बढ़ जाएगी जब वाष्पीकरण की दर बढ़ेगी तो ये वाष्प कहां से बनेगा ये पृथ्वी से ही तो सारी चीजें लेकर ऊपर की ओर जाएगा और जब ऊपर की ओर लेकर जाएगा तो मरुस्थल में लगातार वृद्धि करता जाएगा तो एक प्रभाव हम ये भी देखने मिल सकता है इसके अलावा मैंने आपको आज ही की क्लास में बताया कि भाई इससे क्या होगा जो जलवायु है भाई जलवायु परिवर्तन तो हो ही रहा है ना क्यों क्योंकि कहीं पर अधिक वर्षा देखने मिलेगी और कहीं पर एकदम निम्न वर्षा देखने मिलेगी तो वाष्पीकरण की दर तेजी से होगी और जलवायु परिवर्तन के कारण ये सारी घटनाएं देखने मिलेंगी और जलवायु परिवर्तन का मतलब होना क्लाइमेट का चेंज होना और क्लाइमेट का चेंज होने का मतलब किसी जगह के ताप में बदलाव होना टेम्परेचर प्रेशर विंड्स ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन ताप दाब आर्द्रता वायु इसके अलावा आपका वर्षा इनके प्रकार अनुपात आवृत्ति में परिवर्तन देखने मिलेगा और ये परिवर्तन नकारात्मक होगा नेगेटिव होगा ये सारी चीजें आपको पॉजिटिव वे में देखने नहीं मिलेंगी तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपको प्रभावित करेंगी इसके अलावा हम प्रवाल विरंजन प्रवाल विरंजन का मतलब कोरल ब्लीचिंग होगी जो कोरल के पास प्रवालों के पास एक इकोसिस्टम बनता था एक की तंत्र बनता था जिसमें मछलियां होती थी पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम डेवलप होता था वो इकोसिस्टम क्या होगा लगातार उनमें इकोसिस्टम के अंतर्गत विनाश होना चालू होगा और कूरल प्रवाल विरंजन जैसी घटनाएं होंगी पूरे इकोसिस्टम को विनाश करके रख दिया जाएगा दूसरा पृथ्वी के जो तापमान है अगर हम भूमध्य रेखा के आसपास की बात करें तो भूमध्य रेखा पर तापमान में लगातार वृद्धि होती रहेगी और तापमान में जब लगातार वृद्धि होगी तो ये तापमान क्या करेगा इन जगहों पर मरुस्थलों की स्थितियों को बढ़ा देगा और इस तरीके से ये बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा तो इतने सारे प्रभाव आप बता सकते हैं कि भाई ग्लोबल वार्मिंग कुछ ही घटनाएं नहीं कर रही है प्रवालों में दिक्कत दे रही है मॉस्किटोज़ का काउंट बढ़ा देगी मच्छरों को बढ़ा देगी जितने भी आप मच्छरों को देखेंगे तो ये वेक्टर होते हैं वेक्टर का मतलब ये कोई रोग उत्पन्न नहीं करते हैं। एक जगह से रोग को लेते हैं दूसरी जगह पहुंचा देते हैं तो आपको चाहे डेंगू हो जाए चाहे आपको मलेरिया हो जाए ये सारे ही इसमें क्यूलेक्स मॉस्किटो के बारे में आप पढ़ेंगे सारे फिलेरिया वगैरह ये सारी चीज़ें मॉस्किटो से हो रही हैं और इनका काउंट धीरे धीरे बढ़ने लगेगा बीमारियाँ बढ़ने लगेंगी बीमारियाँ बढ़ने के कारण एक बहुत बड़ी समस्या जो आज अफ्रीका के देश देखने मिल रहे हैं मच्छरों के कारण सिकल सेल एनीमिया सिकल सेल एनीमिया से जनता जूझने लगेगी ये सारे रोग होने लगेंगे आपका पूरा जलवायु परिवर्तन तो होगा ही होगा इनकी दर बढ़ जाएगी कवकों की आर्द्रता बढ़ने से जो आपके खाद्यान्न सुरक्षा है आपने वेयर हाउसेस में कई टनों में भोजन को सुरक्षित रखा हुआ है अब वो सुरक्षित भोजन धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा क्योंकि हम जो भी चीजें खाते हैं उनको एक नाम दिया जाता है पेरिशेबल गुड पेरिशेबल गुड्स का मतलब जो खराब हो सकते हैं इसलिए तो हमको संभाल के रखते हैं आप देखा जाए तो आज भी घरों में जब चावल रखे जाते हैं गेहूं रखा जाता है तो इनमें क्या किया जाता है इनमें कीड़े ना लगे जाएं उनकी दवाइयां रखी जाती हैं तो भाई ये कीड़े कैसे लगेंगे ये आर्द्रता बढ़ने के कारण कवक और जीवाणु का स्तर बढ़ने लगेगा तो आपके घरों में जो अनाज आपने संकट के समय या आगे के लिए रखा हुआ है बचाकर वो तेज़ी से खराब होगा तो खाद्यान्न सुरक्षा पर भी सवालिया निशान ये पूरी तरह से वैश्विक तापन खड़ा कर देगा तो ये इतनी भयानक घटना है जिससे आपको इतने सारे प्रभाव देखने मिल रहे हैं तो इनमें आप आंसर राइटिंग में आई थिंक प्रभाव तो लिख ही सकते हैं और उनको बता भी सकते हैं तो आ गया समझने टॉपिक चलिए बहुत अच्छी बात है जो आपको डाउट लगे वो मेरे से पूछ लीजिएगा मैं आपको पी टू आई बैच के बारे में वापस बता दे रहा हूँ पी टू आई बैच स्टडी आई की एक ऐसी पहल है जिसमें प्रिलिम्स एग्जाम क्लियर करने के बाद आपको दिल्ली आने का मौका मिल पा रहा है यहाँ पे मेंस की तैयारी सारी चीज़ें हमारी टीम आपको करवाएगी ये तीनों ही माध्यम में है हिंदी इंग्लिश इंग्लिश कोर्स की फीस उनतीस हज़ार नौ सौ निन्यानवे होगी जब आप कोड यूज़ करेंगे मनीष लाइव और इसमें लिमिटेड सीट्स हैं बैच स्टार्ट हो चुका है तीस जून तक आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं इसके अलावा कहाँ मिलेगी इसकी पी तो इस जगह पर जाइए इस टेलीग्राम ग्रुप पर यहाँ पर पी आसानी से आपको मिल जाएगी कोई दिक्कत आती है आप मेल पर मुझे मेल कर सकते हैं ये मेरी मेल आईडी है इसको नोट कर लीजिए इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पे जुड़ सकते हैं तो हमारे आज की क्लास तक क्या हुआ है तो आज की क्लास तक हमने सबसे पहले पृष्ठभूमि को देखा है हमने सबसे पहले पृष्ठभूमि पढ़ी थी किसकी पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की इसके अलावा फिर हमने एक टॉपिक उठाया जिसका नाम था वैश्विक तापन। वैश्विक तापन वैश्विक में हमने हरित ग्रह प्रभाव क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है इसके कारक क्या होते हैं इसके अलावा कार्बन सिंक क्या होता है कार्बन स्त्रोत्र क्या है और सारी चीजों के प्रभाव क्या है भारत की क्या स्थिति है और सारे प्रभाव आज हमने कवर कर लिए हैं तो इतने टॉपिक्स हम लोग पढ़ चुके हैं अब जब इतने टॉपिक्स पढ़ चुके हैं तो क्या हम घबरा जाए हम क्या कपड़े पहनना बंद कर दें कि कार्बन तो हमारे कपड़े पहनने से भी हो रहा है हम खाना खाना छोड़ दें हम क्या करें कि भाई इस वैश्विक तापन को हम रोक पाए तो ऐसा नहीं है कि इसके कोई सॉल्यूशंस नहीं है जब हम अगली क्लास में मिलेंगे तो हम क्या बात करेंगे हम इसी के सॉल्यूशंस इसके समाधानों पर बात करेंगे कि भाई इतनी ज़्यादा जो समस्या है इसका कोई रास्ता भी है कि नहीं है और ये रास्ता हमको आसानी से मिलेगा नेक्स्ट क्लास का आप वेट करिए बहुत सारे नए पॉइंट्स आपको उसमें भी पता चलेंगे और नेक्स्ट क्लास में आपसे मैं कई तरह के अभी तक ये जितनी चीज़ें हमने करी हैं इन पर कुछ क्वेश्चनस भी करेंगे जिससे आपको थोड़ी सी आसानी होगी कैसे क्वेश्चन बनेंगे किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है तो ये सारी चीज़ें मैं हर क्लास में डिस्कस करता हूँ तो आपका काम क्या है आपको सिर्फ क्लास में क्या करना है तो पेन कॉपी लेकर जरूर बैठिए नोट्स जरूर बनाइए जो मैं आपको क्लास में पढ़ा रहा हूँ उनको साथ साथ नोट्स बनाते चलिए पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है लेकिन अगर आप सब्जेक्ट सीखने की स्थिति में बैठ रहे हैं मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो आप ज़रूर नोट करते हुए चलें इसके अलावा सेशन आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बता दिया करिए और सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिए क्योंकि ये नया पहल है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ हो मिलते हैं अगले सेशन में तब तक के लिए धन्यवाद